हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्रना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गाड़ी क्यों हीट होती है, उसके क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उसके सॉल्यूशंस क्या है। अगर आपको ये रेड लाइट आती है तो आप पहले सेफली आपकी गाड़ी बाजू में एक पार्क कर लीजिए हैजर्ड लाइट ऑन करके, और जो ट्रायंगल ये जो साइन है ये हर गाड़ी में होता है, इसको रोड पे रखिए। काफी टाइम आपने देखा रहेगा इंजन में से बाफ निकलती है, और आप जो रेडिएटर कैप है वो खोलने का कभी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। जब गाड़ी गर्म है तभी, जो नेचुरली गाड़ी को कूल कीजिए। गाड़ी जब ठंडी होगी उसके बाद में मैं अभी वीडियो में बताऊंगा क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना होगा। काफी टेक्निकल वीडियो है लेकिन मजेदार वीडियो है। ये आपको सिखाएगा ये जो चीज है गाड़ी हीटिंग का, ये किसी के भी साथ हो सकता है। वीडियो चालू करने के पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले बताऊंगा कि ये क्यों हीट होती है गाड़ी। हीट होने के तीन रीजंस है दोस्तों। फर्स्ट है ऑयल है, सेकंड है कूलेंट है, थर्ड जो है वो रेडिएटर फैन है। तीनों में से एक चीज होती है तो ही गाड़ी हीट होती है। गाड़ी हीट होने के ये तीन रीजन ही हो सकते हैं। पहला जो रीजन देखते हैं दोस्तों वो है ऑयल। अगर आपके गाड़ी में ऑयल कम है या कहीं ऑयल लीकेज है और उसकी वजह से ऑयल कम हो चुका है, तो आपकी गाड़ी हीट हो सकती है। क्योंकि जब इंजन अंदर में घूमता है उसको ऑयल अगर कम है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा अंदर में और गाड़ी का इंजन हीट होगा। आपके गाड़ी में दोस्तों कूलेंट नहीं है, कूलेंट कहीं से लीकेज हो रहा है, सो गाड़ी हीट हो सकती है। दोस्तों, तीसरा जो रीजन है वो है फैन। अगर आपका फैन नहीं चल रहा है तो गाड़ी हीट होगी, क्योंकि गाड़ी जब भी हीट होती है फैन उस इंजन को कोल्ड करता है। अगर फैन नहीं चल रहा है तो भी गाड़ी हीट होगी। सो ये तीन चीजें हैं। ये क्यों होते हैं, क्या फॉल्ट आता है इस तीनों चीजों में, हम लोग अब ये देखते हैं। देखेंगे ये तीनों चीजों में फॉल्ट क्यों आता है। पहला जो हमने बात की है ऑयल, ऑयल कैसे लीकेज हो रहा है, ऑयल के लीकेज होने के चांसेस कहां से होते हैं। ऑयल तीन जगह से लीकेज हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका ऑयल फिल्टर से लीकेज है। ऑयल फिल्टर के अंदर ओरिंग्स होती है। ओरिंग्स अगर सूख गई है या हीट हो गई है, हीट होके गर्म होके उसने साइज चेंज कर दिया, वहां से लीकेज होता है। चेंबर बोल्ट अगर कहीं से बराबर नहीं लगा है तो वहां से भी आपका लीकेज हो सकता है। या कहीं ना कहीं आपका जो पाइप होते हैं, हॉस पाइप्स होते हैं, उसके क्लिप्स बराबर से नहीं लगी है तो भी आपका इंजन ऑयल वहां से लीकेज हो सकता है। तो ये तीन चीजें हैं, आप भी देख सकते हैं या कोई एक्सपर्ट को भी दिखा सकते हैं। तो ये हो गया इंजन ऑयल लीकेज। दूसरा दोस्तों देखते हैं हम लोग कूलेंट। कूलेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का, ये पूरा इंजन को ठंडा रखता है। कूलेंट लीक होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। कूलेंट लीक कहां से होता है, जहां पे भी कूलेंट सर्कुलेट हो रहा है वहीं से कहीं से वो लीकेज हो सकता है। टैंक देख रहे हैं दोस्तों, ये कूलेंट का टैंक है जिसके अंदर कूलेंट सेव होता है। दोस्तों, टैंक के आसपास में जो भी होस क्लिप है या हॉस पाइप की अगर क्लिप लूज है तो वहां से वो लीकेज हो सकता है। रेडिएटर के अंदर दोस्तों कूलेंट घूमता है। अगर रेडिएटर आपका रस्टेड हो गया या काफी पुराना हो गया तो वहां से भी कूलेंट लीकेज हो सकता है। आज के तरीके जो दोस्तों जो रेडिएटर आ रहे हैं ये काफी अलग रेडिएटर है। पहले के रेडिएटर आप रिपेयर कर सकते थे, आज के रेडिएटर रिपेयर होते नहीं है, आपको रिप्लेस ही करने होते हैं। दोस्तों, काफी टाइम कूलेंट वाटर पंप से भी लीकेज होता है, सो आप उसे भी चेक कर सकते हो। उसके लिए आप देखेंगे वोल्सवैगन वेंटो या स्कोडा रैपिड, जो भी वोल्सवैगन की जितनी भी गाड़ियां है वहां पे कहीं ना कहीं से मैंने देखा है वाटर पंप से ही कूलेंट ज्यादा लीकेज होता है। लोग कूलेंट जो है टाइम पे चेंज नहीं करते हैं तो उससे होता क्या है दोस्तों। तो हम लोग देख रहे ये है थर्मोस्टेट वॉल। थर्मोस्टेट वॉल क्या काम करता है, लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे ही हम लोग कुकर की सिट्टी बजती है, राइस या दाल वगैरह रखते हैं, सो कुकर के अंदर बेसिकली ऊपर में एक सिटी होती है। वो सिटी कब बजती है, जब पूरा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है उसके बाद में ही ये थर्मोस्टेट वॉल काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसको यहाँ पे एक स्प्रिंग है। ये देखो, ये जैसा सिटी के अंदर वॉल होता है वैसे टाइप में है। अभी जब आपका जो रेडिएटर होता है उसके अंदर पूरा जो प्रेशर है बिल्डअप हो जाता है, वो कहीं ना कहीं वॉल यहाँ से खोलता है और बाद में जो कूलेंट है वो अंदर से सर्कुलेट होता है वाटर पंप के थ्रू। दोस्तों, ये अगर थर्मोस्टेट वॉल भी अगर रस्टेड हो जाता है, अंदर में स्प्रिंग अगर रस्टेड हो गया पानी को लग के, तो भी गाड़ी हीट हो सकती है, क्योंकि ये ऑपरेट बराबर से करेगा नहीं। स्प्रिंग्स है दोस्तों, ये स्प्रिंग्स रस्टेड हो सकते हैं क्योंकि ये मेटल के होते हैं। सो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आप सर्विस के लिए जाते हो कूलेंट ट्राई करिए चेंज करने के लिए ऑयल के साथ में। कूलेंट ये होता है इंजन ठंडा करने के लिए। आपका अगर कूलेंट नहीं है आपके गाड़ी में तो ऑब्वियसली आपका इंजन गर्म होगा। सो एक जैसे दोस्तों एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगा, जब आप राइस बनाने के लिए रख रहे हैं सो कुकर में हम लोग पानी डालते हैं, सो जिससे बाफ बने।
सो अगर उसके अंदर पानी ही नहीं है तो बाफ बनेगी नहीं, तो अंदर का जो सिस्टम है पूरा, जो राइस वगैरह सब जल जाएंगे। सो सेम चीज होता है इंजन के अंदर, ये कहीं ना कहीं इंजन कूल करने का काम करता है। अगर कूलेंट आपके गाड़ी में नहीं रहेगा और आप ऐसी ही गाड़ी चलाएंगे, आपका इंजन डैमेज हो सकता है और काफी बड़ा खर्चा हो सकता है। ये कूलेंट और एसी को मिक्सर करते हैं, कूलेंट और एसी का कुछ लेना देना नहीं है, ये अलग चीजें दोनों। सो कूलेंट ये होता है इंजन ठंडा करने के लिए। सो दोस्तों आपको एक चीज समझना है, पहले आइडेंटिफाई करना है आपका फैन चालू है या नहीं। अगर आपका फैन चालू है सो आपके गाड़ी में कूलेंट नहीं है। अगर आपका फैन चालू नहीं है दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी हीट उसलिए हो रही है क्योंकि जब इंजन गर्म होता है फैन है वो घूम के एग्जॉस्ट देता है, इंजन को ठंडा करता है। आपको अगर तुरंत देखना है कि आपका फैन रनिंग कंडीशन में है या नहीं, सो आप गाड़ी को ठंडा होने के बाद में 40-45 मिनट्स लगते हैं नेचुरली गाड़ी ठंडी होने के लिए, उसके बाद में आप सेल्फ मारिए, सीधा एसी का बटन दबाइए। एसी का बटन दबाने के बाद में फैन अगर तुरंत शुरू हो जाता है दैट मींस आपका फैन परफेक्टली काम कर रहा है अगर वो घूम रहा है तो। काफी जो गाड़ियां है फैन उसके अंदर, फैन के अंदर क्लच होता है, जैसे इनोवा वगैरह होती है गाड़ियां उसके अंदर फैन का क्लच होता है। सो क्लच कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली काम नहीं करता है तो फैन थोड़ा स्लो घूमता है। सो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि आपका फैन का प्रॉब्लम है या कोई दूसरा प्रॉब्लम। So, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया फैन अगर आपका बंद है तो वो आपका इश्यू है, उसकी वजह से आपकी गाड़ी गर्म हो रही है। अगर आपका फैन चालू है दैट मींस कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में कूलेंट नहीं है। सो कूलेंट को चेक करने के लिए सो आपका गाड़ी अगर ठंडा है 45 मिनट हो चुके हैं सो कूलेंट का कैप हल्के से खोलिए, उसे हल्के से खोलने के बाद में जो उसके अंदर की बाफ है वो बाहर निकल जाएंगी, प्रेशर कम हो जाएगा, उसके बाद ही उसे खोलना है, नहीं तो बहुत डेंजरस हो सकता है अगर सीधा आप उसको खोल लेते हैं तो। कैप अगर सही नहीं बैठाई आपने, कोई दूसरे ब्रांड की कैप डाली है, अनब्रांडेड कैप है, या आपकी गाड़ी की, काफ़ी टाइम तो आपकी गाड़ी की होगी कैप, लेकिन अगर आपने रिप्लेस की है या अनब्रांडेड डाली है सो कैप में से भी लीकेज हो सकता है, तो आपको वहाँ पे देखना है हमें। तो कैप खोलने के पहले जैसे प्रिकॉशंस मैंने बताई है वैसे ही आपको फॉलो करनी है, पहले धीरे से कैप खोलना है, उसका प्रेशर जो है बाफ का वो निकल जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है पानी आ रहा है बाहर दैट मीन्स आपका गाड़ी नेचुरली ठंडा नहीं हुआ है, उसे फिर से पैक कर दीजिए। और बने तो आपके पास अगर कोई कपड़ा वगैरह है उसके ऊपर रख के खोलिए सो दैट आपका हाथ वगैरह नहीं जले। सो इसे खोल लिया हम लोगों ने, अभी खोल लिया उसके बाद में हमको आइडेंटिफाई करना है अभी उसके अंदर पानी है क्या या कूलेंट है क्या। अगर उसके अंदर आपको पानी या कूलेंट नहीं है दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके गाड़ी में पानी या कूलेंट नहीं है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, आपके पास में कोई भी सादा पानी है या कोई भी कूलेंट का बॉटल अगर आपके पास में है तो वेल एंड गुड, और गाड़ी को स्टार्ट करिए। लेकिन जब भी आप कूलेंट या सादा पानी डालते हो उसके डालने की भी एक प्रक्रिया होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना है उसके बाद ही कूलेंट या वाटर डालना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आप देखो तवे पे अगर सीधा, गर्म तवे पे अगर आप सीधा पानी डाल दो सो कैसा होता है, एकदम जलता है। सो वैसा होगा, इसके लिए गाड़ी का इंजन को स्टार्ट कीजिए और धीरे 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 इसका वैक्यूम खुलेगा और वो पूरा अंदर में पानी घूमता रहेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है दोस्तों नीचे झुक के गाड़ी के वहां पे कहीं ना कहीं पानी या कूलेंट लीकेज नहीं कर रहा है ना। अगर पानी या कूलेंट लीकेज हो रहा है दैट मीन्स वो लीकेज होने की वजह से आपकी गाड़ी हीट हुई है, क्योंकि उसके अंदर पानी रुक नहीं रहा है, वो जो पाइपलाइन है कहीं ना कहीं उसमें लीकेज है। सो इस सिचुएशन में क्या करें, इसका भी एक रास्ता है दोस्तों। अगर आप सिटी में हो, आप अगर अच्छी लोकेशन पे हो सो मैं पहले एडवाइस करूंगा आप सीधा आरएसए को बुलाइए, रोड साइड असिस्टेंस को बुलाइए, और आपकी गाड़ी टो करके नियरेस्ट कोई भी अच्छे वर्कशॉप पे या कोई भी एक्सपर्ट के पास में भेज दीजिए। अगर आप जंगल में अटके हो या आपको कहीं ना कहीं वहां से निकलना है इमरजेंसी में, तो अभी ये आपको एक टिप्स देता हूं क्या क्या करना है उसके अंदर। जैसा मैंने बताया अंदर पानी घूमता है तो प्रेशर बिल्डअप होता है, अगर आप ऊपर का ये कैप लगा देंगे तो पानी घूमेगा, अंदर प्रेशर बिल्ड होगा और जहां पे लीकेज है वहां से पानी और घूमेगा। आपको क्या करना है, कैप निकाल देनी है और धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट करके एक चीज ध्यान में रहना चाहिए आप, तो डैशबोर्ड पे ये लाइट ब्लिंक कर रहा है रेड वाला, ऐसा लाइट कभी भी ब्लिंक होता है तो गाड़ी तुरंत बाजू में पार्क कर लीजिए, गाड़ी को फिर से ठंडा करिए, फिर से पानी डालिए और चलाते रहिए। ये एक आपको मैंने टिप बताई है, क्योंकि क्या होता है आप अगर गर्म गाड़ी में गाड़ी चलाते रहेंगे कहीं ना कहीं गैस्केट
आपकी जल जाएंगी। गैस्किट क्या होती है दोस्तों? गैस्किट ये होती है इंजन के जो हुड रहता है, जो ऊपर का टॉप रहता है, उसके बीच में एक सील होता है, पैकिंग जिसे बोलते हैं, जैसे अपन वॉशर डालते हैं वैसे एक सील होता है, ये पैकिंग रहता है। अगर आपका गैस्किट जल जाता है तो कूलेंट और ऑयल ये हो जाएगा मिक्स, इंजन की बच जाएंगी बैंड। कई बहुत सी पुरानी गाड़ियों में इंजन भी सीज होने के चांसेस है। सो ट्राई कीजिए, अगर आपको रोड साइड असिस्टेंस मिल रहा है, आरएसए मिल रहा है, सो आप उसे सीधा गाड़ी को टो करके लेके जाइए नियरेस्ट वर्कशॉप में या कोई अच्छे एक्सपर्ट के पास में। अगर आप कहीं पे अटके हो, आपको इमरजेंसी में पहुंचना है, ये रिस्क भी है, लेकिन हमें अगर पहुंचना है सो जो सोल्यूशन है वो है पानी डाल डाल के चलाइए। आप अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो रेडिएटर में लीकेज है, कहीं ना कहीं वहाँ पे कहीं पे एमसील वगैरह मिलता है आपको, या आपको साबुन भी मिलता है, तो साबुन को या एमसील को वो जो लीकेज के जगह पे है ठंडा होने के बाद में लगा दीजिए, तो वहाँ से कूलेंट या पानी लीकेज नहीं होगा जब सूखने के बाद में, और आप धीरे 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 करके पहुँच जाइए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब। बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे हम लोग काम कर रहे हैं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर रहेंगे तो आपको ये सारे वीडियो देखने मिलेंगे, और बेल आइकन अगर दबाते हैं आप तो आपको सबका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। राइडर प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।